बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस बार किसी बेबाक बयान के लिए नहीं, बल्कि वे अपनी बड़ी बेटी हिबा शाह के बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर चर्चाओं में हैं। अलीगढ़ एसडीएम ने हिबा का बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दिया है। क्यों एसडीएम साहब ने ऐसा किया और क्या उन्होंने सवाल कर डाला, ये भी आप जान लीजिए। नसीरुद्दीन शाह की बेटी हिबा के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एक्टर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अपने एक प्रोफेसर फ्रेंड के जरिए नगर निगम में आवेदन दिया था। बेटी का जन्म 1970 में हुआ था। एसडीएम साहब ने यह कहते हुए आवेदन को निरस्त कर दिया कि 53 साल बाद इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, इसके पीछे की वजह बतानी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल 20 अगस्त 1970 को अलीगढ़ के टीकाराम नर्सिंग होम में नसीरुद्दीन शाह की बेटी हिबा का जन्म हुआ था। 53 साल बाद एक्टर ने इस दस्तावेज की मांग की, इसलिए नियमानुसार नगर निगम ने इस मामले में एसडीएम की रिपोर्ट मांग ली। इसके बाद एसडीएम स्तर से इस आवेदन को निरस्त कर दिया गया। अलीगढ़ एसडीएम ने हिबा का बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए तो उनके किसी ब्लड रिलेटिव को यहाँ आकर अप्लाई करना होगा। इसके साथ ही इसके पीछे की वजह भी बतानी होगी कि उन्हें 53 साल बाद आखिरकार बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। साथ ही उनके जन्म की तारीख संबंधी कोई सत्यापित दस्तावेज या शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू करने पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले हैं, लेकिन 1967 से 1970 के दौरान अलीगढ़ में रहकर पढ़ाई की थी और यहीं उनकी पहली पत्नी मनारा ने बेटी हिबा को जन्म दिया था। इसके बाद ही रत्ना पाठक से उनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात इश्क में तब्दील हो गई। मनारा से तलाक लेने के बाद साल 1982 में एक्टर ने दूसरी शादी कर ली।